सिर्फ कॉलेज के प्लेसमेंट के भरोसे मत रहो कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यार मैंने खुद भी गलतियां करी हैं अपने। यार जो बंदे होते हैं वो आते हैं फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि यार प्लेसमेंट तो फाइनल ईयर में होनी है। सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रणव तिवारी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो यार अब नया साल भी आने वाला है और बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर अब ज्यादा सीरियस होंगे। हर साल की तरह इस साल भी वो लेंगे कि यार हम ये पढ़ेंगे, ऐसे फोड़ डालेंगे, प्लेसमेंट के लिए हम ऐसे बैठेंगे। तो यार आपका सीनियर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि यार आपको गाइड करें, आप आगे किस तरह से अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हो वो आपको बताऊं। तो यार आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से 5 ऐसे टिप्स जो कि आपको पढ़ाई में हेल्प करेगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगी और आप कॉलेज में इस टिप्स को फॉलो करके बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। यार देखो, मैंने जो अपने बीटेक करियर में जो चीज़ें सीखी हैं, जितनी चीज़ें मैंने अपने कैंपस लाइफ में कॉलेज लाइफ में सीखी है, उनको मैंने शॉर्टलिस्ट करके 5 चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिनको आप फॉलो करते हो तो आपको प्लेसमेंट में कोई इशू नहीं आएगा, आपको पढ़ने में कोई इशू नहीं आने वाला है। तो आ जाओ बात करते हैं हमारे टिप नंबर 1। सबसे पहला टिप हमारा ये है कि फोकस ऑन योर CGPA। अब यार जो बंदे होते हैं वो आते हैं फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि यार प्लेसमेंट तो फाइनल ईयर में होनी है, अभी क्या ही है, बैक आ गया तो चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है, बैक एग्जाम देंगे, क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ये मत करना, अपना फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम से जो CGPA है ना वो मेंटेन करने की कोशिश करो। भले ही आप 9 CGPA मत बना लो बट 8 CGPA तक मेंटेन रखो, उससे नीचे मत आने दो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा सीन है, रिसेशन बहुत पीक पे है, बीटेक करने के बाद बच्चों को जॉब मिल नहीं रही है। तू समझा? हाँ। तो अगर आप इसमें भी कंपनीज को अपने एंड से मौका दे रहे हो कि यार हमारी तो 6 CGPA है, तब तो भाई ऑब्वियस है कंपनी आपको निकालेगी और चूज करेगी भी नहीं, क्योंकि कंपनीज को अब चाहिए मौका कि किस तरह से वो आपको बाहर निकाल सकती है। तो इसीलिए आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम से ही अपने CGPA को मेंटेन करना शुरू कर दो। बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है हमारा स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस। अब इसका मतलब समझ नहीं आया कि यार ये क्या चीज़ होती है कनेक्शंस। तो देखो, जैसे आपके कॉलेज के सीनियर्स हैं, आपके एलुमनाई हैं, उनसे आप बातें करो, आप मार्केट में निकलो, एक्सप्लोर करो। आप सिर्फ कॉलेज के प्लेसमेंट के भरोसे मत रहो कि हाँ यार कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लेगी तो हम प्लेसमेंट ले लेंगे। आप जो अगर आप प्रॉपर हिंदी में बात करो तो अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दो कि जहाँ भी आप कनेक्शंस हैं, जो भी जान पहचान के हैं, हर तरफ आप अपने एंड से लगे रहो कि यार अगर कॉलेज से कुछ नहीं भी हो पाता है तो आप इतने कैपेबल रहो कि हाँ यार हम कर लेंगे कुछ। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग फियर होता है, जिनकी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होती है, क्योंकि देखो अभी के टाइम में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कंपनीज आती हैं वहाँ पे आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, वो आपकी पर्सनालिटी को भी बढ़िया दिखाता है और आपके जो सामने वाला है उसको भी इम्प्रेस करता है। तो यार अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो, आप अपने कम्युनिकेशन को इतना बढ़िया बनाओ कि अगर आपके जो सामने वाला बंदा है वो आपके बातों से ही आपसे अट्रैक्ट हो जाए। लाइक आप क्या कहना चाहते हो, बिना रुके फ्लुएंटली उनसे बात करो। क्योंकि देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अपने पहली इंप्रेशन बढ़िया बना ली ना तो बंदे की नज़रों में आप हमेशा ज़िंदगी भर बढ़िया ही रहोगे, क्योंकि जब भी आपको देखेगा उसको आपका पहला ही इंप्रेशन आ जाएगा कि अरे हाँ यार इससे मैंने बात करी थी, बंदा बहुत बढ़िया से बात करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यार मैंने खुद भी गलतियां करी हैं अपने कॉलेज लाइफ में, आपको भी मैं वही बताना चाहता हूँ, ये गलती आप मत करना। स्टूडेंट क्लब्स, काउंसिल, सोसाइटीज़ ये ज्वाइन करते हैं और उनको लगता है कि यार ये ज्वाइन कर लिया अब तो हमारी ज़िंदगी यही है, इसी में लगे हैं, कॉलेज में बन गए हेड कैप प्रेसिडेंट, कुछ कुछ बन गए, उसी में उनको फील होने लगा कि अरे यार अब तो मेरी दुनिया यही है। यहाँ पे उन्होंने 100-200 बच्चों से सर मैम बुलवा लिया, उनको लगता है कि यार अब तो हमने बहुत टोरा बना ली अपना। यार देखो, आप क्लब्स ज्वाइन करो, सोसाइटीज़ ज्वाइन करो बट इंजॉयमेंट के लिए ज्वाइन करो। लाइक स्टडी से आप एक पार्ट, लाइक अगर आप स्टडी से बोर हो जाते हो तो आप यहाँ पे आके अपना टाइम पास कर सको, इसके लिए ज्वाइन करो, अपने इंजॉयमेंट के लिए ज्वाइन करो। देखो, आप पार्ट रहो बट उसको अपना लाइफ मत बनाओ। आप कॉलेज में जो करने आए हो आप हमेशा अपने दिमाग में वो चीज़ रखो कि हाँ यार मैं कॉलेज में पढ़ाई करने आया हूँ, मेरा मेन फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि यहाँ पे 100-200 बच्चों से सर मैम बुलवा लिया, अपने आपको उसमें बहुत यार खुश हो गया कि अरे यार अब तो अपना कॉलेज में टोड़ा बन गया। तो ये चीज़ें में मत पढ़ो, जो करने आए हो उस पर फोकस करो, इन सब फालतू की चीज़ों से दूर रहो। आई मीन दूर रहो इन सेंस कि इसको अपनी लाइफ में मत घुसाओ, मतलब आप आओ एंजॉय करो और जाओ, इस चीज़ में पूरे घुस मत जाओ कि अरे यार अब तो यही करना है, इसी में लगे रहना है, कुछ नहीं है, बस इसमें करो और निकल जाओ। सबसे लास्ट पॉइंट जो कि यार सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते ही हैं वो है कि यार वो क्लास जाते नहीं है, क्लास जाते हैं तो पीछे बैठ कर गप्पे मारते हैं, चिल करते हैं, फ़ोन चलाते हैं। तो गाइज, और एग्ज़ाम से एक रात पहले परेशान होते हैं कि भाई नोट्स भेज, कुछ तो पढ़ने का भेज। देखो, तुम्हें लिखने में आलस आता है,
फोटो लेके रख लो, कुछ नहीं टीचर पीडीएफ भेजते हैं, टीचर ने पीडीएफ भेजा, पीपीटी भेजा, कुछ भी भेजा भाई, उसको तुम अभी से डाउनलोड करके एक अलग से फोल्डर बना कर रख लो। इंतजार मत करो कि जब एग्जाम्स आएंगे तब खोजना शुरू करेंगे कि अरे यार भाई ये भेज दे ये भेज दे। वाट एवर टीचर इज प्रोवाइडिंग यू जस्ट कीप इट विथ यू, चाहे आप उसको रिटर्न फॉर्मेट में रखो चाहे आप उसको डिजिटली रखो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट आप उसको छोड़ो मत। मैंने भाई यही चीज़ अब तक अपने लाइफ में देखा है कि अगर जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं पेपर में सिर्फ वही चीज़ आती है, तो और आपके पास पहले से वो स्टडी मटेरियल है जो आपके टीचर ने प्रोवाइड किया है, तो आप इजिली अपने एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। तो भाई मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि यार टीचर ने जो भी तुम्हें प्रोवाइड किया पढ़ने का अपने पास रखो, भले तुम उस टाइम ना पढ़ो, लेकिन जब आप एग्जाम से एक रात पहले आप वो चीज़ें इकट्ठा करना शुरू करोगे, इस दोस्त को कॉल लगा रहे हो भाई यार टीचर ने क्या पढ़ाया था वो नोट्स भेज दे, उस दिन क्या पढ़ाया था वो नोट्स भेज दे, तो इसमें आपका आधा से ज़्यादा टाइम तो इसमें आपको नोट्स ही खोजने में चला जाएगा। इससे बढ़िया है कि भाई 10 मिनट का भी मेहनत नहीं है, टीचर ने भेजा क्लास ग्रुप में, उस ग्रुप का एक अलग से फोल्डर बना लो, सारे सब्जेक्ट्स आप एक फोल्डर बना कर रखते जाओ कि आपको जो जो फोल्डर्स है टीचर ने जो भी नोट्स दिया है उस नोट्स को आप बाई नेम उसमें डालते चले जाओ, जब भी संडे को टाइम मिले एक बार खोला रिवाइज करके देख लिया कि हाँ यार यार ये चीज़ें पढ़ाई गई थी, बस आपको इस तरह से रिविजन भी होता रहेगा और एग्जाम के टाइम पर आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको किसी से पूछना पड़ेगा कि अरे यार भाई कुछ तो दे दे कहाँ से पढ़ूँ। तो गाइज ये था मेरे तरफ से कुछ ऐसे 5 टिप्स जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो यार आप कुछ बढ़िया कर सकते हो, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से प्लेसमेंट तक पहुंच सकते हो, क्योंकि यार अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो यार आपकी चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो पता ही है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी जल्दी अपने 4,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो ताकि एकदम मज़ा आ जाए, और कोई दिक्कत परेशानी क्वेरी हो तो बेफिक्र होकर कमेंट में पूछ डालो, आप ही के लिए ये कमेंट सेक्शन बना हुआ है, बाकी अपना ग्रुप भी है तो आप मस्त ग्रुप को ही ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी सारे भाई लोग हैं अपने, वहाँ भी कम्युनिटी ग्रुप ही अपना, तो वहाँ भी आओ बैठो, आपकी सारी दिक्कतें परेशानियाँ वहाँ भी सॉल्व की जाएंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइनिंग ऑफ।